खरगोन जिले में रंग पंचमी पर एक युवक ने नर्मदा पुल से छलांग लगा दी, जिसे नाविकों की मदद से बचा लिया गया। बता दें कि इन पुलिस विभाग में तैनात प्रधान आरक्षक के 23 वर्षीय बेटे ने नर्मदा में छलांग लगा दी। वहां पर उपस्थित नागरिकों ने छलांग लगाते हुए व्यक्ति को देखा और अपने मानव धर्म का पालन किया और डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि शराब के नशे में धुत तो युवक ने परिजनों से पैसों की मांग की और नहीं देने पर उसने नर्मदा में छलांग लगा दी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी सूचना कल प्राप्त हुई थी सायंकाल में कि मंडलेश्वर के पास जो मंडलेश्वर कसरावत नर्मदा का ब्रिज है, उस ब्रिज पर से एक युवक लगभग 23 साल का मनीष नाम का, मनीष चौहान, वो ऊपर से कूदा था। बाद में वो स्वयं ही तैर के और एक पत्थर पे रुक गया था और बाद में नाव वाले उसको निकाल के बाहर लाए। बाद में उसको जो है उसका मेडिकल कराया तो पता चला वो अत्यधिक शराब पिए हुए था और कारण पूछने पर उसने शराब के नशे में कूदना बताया और अधिक जानकारी प्राप्त करने पे कुछ पैसे को लेके उसके घर वालों से चिकचिक हुई थी। वो शराब अधिक पी रहा था, घर वालों से पैसे मांग रहा था, घर वालों ने नहीं दिए। इस बात पे रुष्ट होके नशे में वो जो है, हालत तो उसकी सामान्य है अभी, बाकी कोई चिंताजनक नहीं। प्रधान आरक्षक के पुत्र है सर? हाँ, ऐसा जानकारी मिली है कि प्रधान आरक्षक का पुत्र है, बट वो स्वयं कोई जॉब में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।